देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है अखिलेश यादव जी को लेकर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन और किससे पूछ रहा है, किस पर सवाल उठा रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है अखिलेश जी से। लेकिन चलिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्हें बोलने से पहले या ट्विटर पे ट्वीट करने से पहले इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि आदरणीय योगी जी 23 करोड़ जनता की चिंता को लेकर अस्पतालों में भी हैं, सड़क पर भी हैं, ऑफिसेज में भी हैं। आप तो कहीं नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप या तो ट्विटर पर हैं या किसी चैनल पर आप थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं, आप ना आजमगढ़ जाते हैं जहां की जनता आपका इंतजार कर रही है, ऐसे समय में जब पूरा देश दुनिया कोरोना से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश पूरा कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, आप ऐसे समय पर अपने लोगों को छोड़कर जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है आप उनके नहीं हो पा रहे हैं, और टिप्पणी आप करते हैं यशस्वी या मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पर, तो ये तो अपने को वैसी ही बात हो गई कि जैसे सूरज के सामने चराग दिखाने वाली बात है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपने जो अस्पताल में उन्होंने की बात की थी, तो अगर आदरणीय योगी जी अस्पताल जा रहे थे, वहां चिंता कर रहे थे, कोरोना मरीजों की चिंता कर रहे थे, डॉक्टर्स की कर रहे थे, वहां के स्टाफ की चिंता कर रहे थे, या जो लोग भूखे घूम रहे हैं उनके खाने की चिंता कर रहे थे, जो गरीब घर जा रहे थे उनको राशन पानी की चिंता कर रहे हैं, उनको 1,000 रुपए सहायता राशि की चिंता कर रहे थे, तो कम से कम आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ी चिंता आपको भी करना चाहिए थी। अरे अपने बनाए हुए अस्पतालों के आसपास चला जाना चाहिए था आपको, जाते तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं को ले लेते चले जाते तो आप पर प्रश्न ना उठता, आप तो घर से बैठ के ट्वीट करते हैं और टीवी पर बैठ के बाइट देते हैं, तो इससे थोड़ी प्रदेश चलता है।